हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ फाइबर लेजर मार्किंग मशीन। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपनी एक नई मशीन के अंदर हम सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स को डालते हैं। नॉर्मली जब हम एक मशीन परचेज करते हैं तो हमें जो उसका पीसी रहता है बहुत बार ब्लैंक मिलता है, जस्ट हमें सिर्फ विंडो मिलती है एंड सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स की हमें फाइल दी जाती है। एंड उस केस में हमें अपने पीसी के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर हमें ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर डालने होते हैं, तो वो प्रोसेस हम कंप्लीट इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नॉर्मली हमें दो फाइल मिलती हैं, एक हमारी सॉफ्टवेयर की फाइल होती है, दूसरी हमारी ड्राइवर की फाइल होती है। वो दोनों ही फाइल को हम अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी एक ड्राइव के अंदर सेव कर लेंगे। नॉर्मली हमें पेन ड्राइव के थ्रू वो दोनों ही फाइल मिलती हैं। यह बहुत बार क्या होता है कि हमारे पीसी के अंदर भी हमें हमारे मैन्युफैक्चरर्स वो फाइल डाल के देते हैं। और हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले यूएसबी टाइप ए टू बी केबल को हमारे पीसी के अंदर कनेक्ट करना है। एंड दूसरा साइड जो हमारा यूएसबी टाइप बी होता है वो हमारा कार्ड के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम कार्ड में केबल कनेक्ट करेंगे एंड हमारे पीसी में केबल कनेक्ट करेंगे, देन हम उसके बाद में जो है ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर को डालेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं ये हमारी यूएसबी टाइप ए टू यूएसबी टाइप बी केबल है। दिस इज आवर यूएसबी टाइप बी, नॉर्मली जो प्रिंटर्स के अंदर यूज होता है। ये हमारा जो है मार्किंग कार्ड के अंदर लगेगा एंड दिस इज आवर मार्किंग कार्ड हियर, यू कैन सी। तो हम इसको जो है अपनी मार्किंग कार्ड के अंदर लगाएंगे एंड दिस इज आवर यूएसबी टाइप ए जो कि हमारा पीसी के अंदर लगेगा। तो हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है, कहीं पे भी किसी भी एक पोर्ट के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने केबल को हमारे पीसी में कनेक्ट कर लिया है एंड दूसरी साइड हमारी कार्ड से कनेक्टेड है। एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम कार्ड की एसएमपीएस को ऑन करेंगे और यू कैन से कि हम कार्ड की डीसी सप्लाई को ऑन करेंगे, जिससे क्या होगा हमारा कार्ड ऑन हो जाएगा। कार्ड ऑन होने के बाद में आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे हमारे पास में ये जो है ड्राइवर्स हैं ईजेड कैड के एंड ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ड्राइवर डालने होंगे एंड ड्राइवर डालने के लिए हम चलते हैं डिवाइस मैनेजर के अंदर। तो ये हमारा डिवाइस मैनेजर हो गया यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक हमारा जो है कार्ड का ऑप्शन जरूर आ रहा होगा, तो मे बी अदर डिवाइसेस के अंदर। यस हियर आप देख सकते हैं USB LMCV2, ये हमारा जो है कार्ड है, ये हमें शो कर रहा है हमारे डिवाइस मैनेजर के अंदर। एंड हमें अभी क्या करना है, हमें इसके अंदर ड्राइवर्स डालने हैं। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं एंड आप देख सकते हैं देर इज नो कम्पेटेबल ड्राइवर फॉर दिस ड्राइवर, टू फाइंड अ ड्राइवर फॉर दिस डिवाइस क्लिक अपडेट ड्राइवर। तो हम अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करते हैं एंड अपनी यही फाइल उठाएंगे फॉर ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए। एक तो है तरीका सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम अपना कंप्यूटर को ब्राउज करेंगे मैनुअली ड्राइवर डालने के लिए। तो हम यहाँ से ड्राइवर डालेंगे, ब्राउज करते हैं जहाँ भी हमारी फाइल होगी ड्राइवर की, लाइक हमारी ना डेस्कटॉप पे फाइल है तो हम डेस्कटॉप पे देखते हैं पूरा का पूरा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे ड्राइवर्स हैं, ओपन करेंगे इसके अंदर हमें तीन फोल्डर देख पा रहे हैं। तो JCZ ड्राइवर ऑल इन वन, तो ये ऑल इन वन ड्राइवर्स हैं, ये हमारे लाइट ड्राइवर्स हैं एंड ये हमारे ओरिजिनल वन ड्राइवर्स हैं। तो मे बी आपको कोई डिफरेंट फाइल मिले या कोई और डिफरेंट ड्राइवर मिले, डिपेंडिंग ऑन द कार्ड कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं। तो आई एम यूजिंग LMCV2, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, AMD64 LMCV2, मेरे लिए जो कंपेटेबल ड्राइवर्स हैं वो यही हैं। तो ओके करेंगे एंड देन नेक्स्ट एंड आप देख सकते हैं ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, विंडो हैज सक्सेसफुली अपडेट योर ड्राइवर्स एंड वी क्लोज दिस। एंड डिवाइस स्टेटस में आप देख सकते हैं दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। ओके नाउ अब हम अपने सॉफ्टवेयर को लेके आते हैं। आप देख सकते हैं अब हमारा जो है BJJCZ डिवाइस यहाँ पे शो कर रहा है, पहले हमारा अदर्स के अंदर शो कर रहा था, अब अदर्स से हटके हमारा यहाँ पे BJJCZ डिवाइस शो कर रहा है बिकॉज हमने सक्सेसफुली ड्राइवर डाल दिए हैं। ओके हम क्लोज करते हैं इसको
अब लाइक दिस इज आवर सॉफ्टवेयर, तो बहुत बार क्या होगा ये फाइल हमें जिप फाइल मिलेंगे, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ezcat2। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक शॉर्टकट बना देता हूँ, यहाँ से इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड हम इसको शॉर्टकट बना देंगे एंड शॉर्टकट को रखते हैं हम डेस्कटॉप पे। ओके, देन वी क्लोज दिस एंड हियर यू कैन सी दिस इज आवर शॉर्टकट। तो अब इसको हम ओपन करते हैं। यस वी एग्री एंड दिस इज आवर ezcat2 एंड आप देख सकते हैं कि इसमें कोई डेमो वर्जन शो नहीं हो रहा है। दिस इज आवर ओरिजिनल ezcat2 विद ड्राइवर्स। अदरवाइज अगर हमारे ड्राइवर सही से इंस्टॉल नहीं होते हैं तो क्या होता है, ezcat2 इज इन डेमो स्टेट। रेक्टेंगल बनाते हैं एंड वी प्रेस F1 एंड आप मार्किंग बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो है रेड लाइट पॉइंटर शो हो रहा है। तो इट मींस कि हमारा जो ezcat सॉफ्टवेयर है हमारा मार्किंग कार्ड के साथ में कम्युनिकेट कर पा रहा है एंड फुली फंक्शनल कमांड यहाँ से जो है जा रहा है। अदरवाइज अगर एज सच नहीं होता है तो हमें कोई कमांड वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, कोई रेड लाइट देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों फाइनली हमारे ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर दोनों ही इंस्टॉल हो गए हैं फॉर दिस फाइबर लेजर मार्किंग मशीन। एंड अगर आप एक नई मार्किंग मशीन परचेज करते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू आप भी अपने ड्राइवर एंड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अगर बाय चांस आपकी कोई एक एग्जिस्टिंग मशीन है, कोई पुरानी मशीन है, उसमें सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा है या ड्राइवर्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू दोबारा से सॉफ्टवेयर या फिर ड्राइवर को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस, बहुत ही आसान तरीका है, जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, और अदरवाइज यू कैन मेल टू अस, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी ये सीरीज चल रही है फॉर लेजर मार्किंग, जिसके अंदर हम कम्प्लीट लेजर मार्किंग को कवर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे वीडियोज के अंदर। इफ दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरामीटर्स को सेट करेंगे एंड वन बाय वन हम हर एक चीज थ्रोली मार्किंग को कवर करने वाले हैं। सो बने रहिएगा, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ विवेक चौधरी, थैंक यू।